क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2018 4 मार्क्स का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है और इसमें 4 ही लाइन लिखी जाएगी, 5वीं लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग करते क्या हो, क्वेश्चन क्यूब देखा डर गए, हमको आता था कि क्यूब फोर्थ पावर देखी नहीं कि डर गए, अरे सर कैसे होगा क्यूब वाला, ये तो नहीं जरूरत है। क्वेश्चन को ध्यान से मैंने क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ो समझो कि क्या कह रहा है, सोचो और फिर स्टेप लो कि इसको कैसे करना है। हमें क्या लाना है, 10। देखो 10 क्या होता है हमें पता ही है, मतलब साइन ए अपॉन कोस ए लाना है, ये लाना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा तो भाई हमारे पास 10 आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया सिंपल सा। वो तो पहली लाइन में आ रहा है, देखो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, पहले ऊपर में से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर में से अगर मैं साइन ए कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा, 1-2 साइन स्क्वायर है। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, सेम सिमिलर वे में नीचे से अगर मैं कोस ए कॉमन ले लूं तो क्या बच रहा है, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया, देखो भाई आ गया ना, देखो यहां देखो ये दोनों मिलके क्या हो गए भाई, बन गया ये 10, तो आंसर तो आ गया। अब करना क्या है, इसको हटाना है, सिंपल सी बात है, इसको हटाने के लिए सोचना है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से इधर, ये तो कितना बन गया साइन अपॉन कोस, कितना बन गया, ये तो 10 बन गया। अब ध्यान से देखो, अब इसको हटाने का एक ही तरीका है, यहाँ पे फिर आइडेंटिटी यूज हुई है, देखो कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद रखना जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे 1 हो तो 90% केसेस में ये आइडेंटिटी लगती है, कोसेक वाली भी लगती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन 90% केसेस में ये आइडेंटिटी लगती है, यही को इसी को ये कहेंगे हम। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, अगर पेन से लिखता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, 1 की जगह ये लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस, आगे क्या लिखा होगा, 2 sin स्क्वायर a, कोई दिक्कत नहीं आता, थीटा की थीटा ना लिख के a लिख लो, a क्योंकि a में चल रहा है ना हमारा सारा काम, a लिख लो। सिमिलर वे में देखो नीचे क्या है, 2 cos स्क्वायर a तो ऐसे ही रहा, फिर देखो माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर 1 है, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया तो 1, और 1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो फिर से sin स्क्वायर थीटा, ओ फिर से थीटा, यार आदत पड़ी है ना थीटा की, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये चीज समझ में आई कि नहीं। अब कुछ नहीं करना है, देखो अंदर यहां तो हमारे पास क्या आ गया, 10 तो ऐसे ही आ गया, देखो वहां से क्या आ जाएगा, अब देखो ध्यान से देखो ये कैसा है प्लस का और ये कैसा है माइनस का, तो माइनस के 2 में से माइनस का बन गया, अगर किसी को करना नहीं आता तो ऐसे कर लो भाई, इसको छुपा लो साइन को छुपा लो और इसी जगह 1 कर लो, तो 1 में से माइनस 2 गया तो माइनस ही तो बचेंगे, तो पहले क्या बचेगा हमारा कोस स्क्वायर, तो प्लस का ऐसी चीज बचा हुआ है कोस स्क्वायर है, माइनस का साइन स्क्वायर है, ये चीज समझ में आई कि नहीं। अपॉन में क्या आ गया, देखो ध्यान से इस माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूं, यहीं पे कर दे रहा हूं ताकि डायरेक्ट आपको कोई दिक्कत ना हो, इस माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूं तो भाई ये माइनस हो जाएगा और ये साइन भी क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 2 में कोस में से एक कोस गया तो कोस एक ही तो कोस बचेगा, क्या बचेगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये चीज समझ में आई हो गया। देखो मैंने कहा था चार लाइन भी नहीं लिखी गई, 1-2-3 अगर उसको एक लाइन और आगे बढ़ा दो अगले स्टेप में माइनस कर दो तो चौथी लाइन लिखी जाएगी, देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया, सिमिलर का आंसर आ गया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 लाइन लिखवाई है। जिस टाइम में बोर्ड में क्वेश्चन आया था ना 2018 में, तो मेरा एक स्टूडेंट था ध्रुव, उसको मैं पढ़ा रहा था तो उसने ये क्वेश्चन कर दिया था, क्योंकि उसका पता था उसके बैच के मैक्सिमम लड़के नहीं कर पाए थे, क्यों उनके साथ ये दिक्कत थी कि क्यूब देखा नहीं कि घबरा रहे। मैंने कहा ना अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, आपके फंडामेंटल जितने अच्छे, आपकी अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, मैथ के ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या करो उतनी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, वैसे ही एग्जाम में तुरंत होगा। एक दिन में आप मैथ नहीं सीखोगे पर एक दिन जरूर सीख जाओगे, पढ़ते रहो डेली प्रैक्टिस। भाई एक बात बताओ, डेली अगर आप 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हो तो साल भर में 3650 क्वेश्चन होंगे, 365 डेज होते हैं 3000, और आपकी पूरी बुक में 600 क्वेश्चन है, मतलब 6 बार आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप सही से करना चाहो तो। कैसे है 6 बार रिवीजन करके आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी नहीं होगी,
कैसे नहीं हो सकती, ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिस करो, कम से कम डेली टारगेट बनाओ कि भाई डेली मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं। 10 नहीं, चलो 5 ही कर लो यार, तुम डेली 5 ही कर लो तो भी 1825 क्वेश्चन होंगे और आपकी पूरी बुक में 6 क्वेश्चन है, मतलब 3 बार आपका साल भर में मैथ का रिवीजन हो जाएगा। आई बात समझ में? नोट डाउन करो अच्छे से, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं।